जब एक आम नागरिक ने लिया बेटी को गोद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से प्रेरित होकर दहीसरपुर ठाकुर कंपाउंड में रहने वाले एक व्यक्ति ने एक बेटी को गोद लेकर उसका सारा जिम्मा उठाने का फैसला लिया है। इस खुशी के अवसर पर बच्ची गोद लेने वाले फिरंगी यादव ने और पढ़ा के राधा कृष्णा हाल में बच्ची का पहला जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक प्रकाश चौबे, पूर्व विधायक ठाकुर रमेश सिंह, अमरनाथ झा, मनीष दुबे के अलावा कई मान्यवर बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद थे। इस अवसर पर केक काट कर बच्ची का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। हेलो, आपको आओ इधर आओ।
कैसे वो आगे अनेक काम करते रहे, हमारा सहयोग उनके साथ। अब इनके बारे में क्या संदेश देना चाहिए? पहले बात तो रंगी भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज के युग में बहुत ऐसे कम लोग होते हैं कि उनके अपने खुद के तीन बेटे हैं, उसके बावजूद भी एक बच्ची को उन्होंने वोट दिया। तारीफ़ काबिल है, मैंने बेटी बचाओ का कार्य का नारा अगर सबसे अच्छा कोई दिया है तो तिरंगी जी ने दिया। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इतनी बड़ी बात यह और है कि हम सबको बुला करके इन्होंने सिद्ध कर दिया कि बेटी का महत्व सबसे ऊंचा और सबसे महान है। मैं तिरंगी जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आया और स्टार्ट इन्होंने किया है तो हम लोग भी अब इसी से स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे इसकी ओर सिखाते हैं। धन्यवाद जी। माता जी का नवरात्रि में माता जी का आगमन हो रहा है और माता जी आगे देखते सामने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने मित्र रानी तिरंगी यादव जी, जिनको दहीसर भी नहीं, पूरे दहीसर भोगी में ऐसा कोई शख्स नहीं जानता कि उनको नहीं जानता हूँ, और उनके द्वारा समाज के लिए जो काम किए गए और उसी माध्यम से उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया,
दिल की गहराइयों से मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और नरेंद्र मोदी साहब सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं और उन्होंने एक्चुअली में कुछ किया नहीं, लेकिन हमारे फिरंगी यादव जी ने उस चीज़ को चरितार्थ करते हुए मतलब करके दिखाया, करके दिखाया उन्होंने, करके दिखाया। हम उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। और इस बेटी के माध्यम से उन्होंने जो लक्ष्मी जी को एक अवतरण किया है और उनके समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए काम किया है। और मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि अगर समाज में किसी को ऐसा मौका मिले तो उस मौके को जरूर साथ दें और उनके लिए उनकी दीर्घायु आयुष्य हो अन्य के लिए मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना। और कन्यादान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है जो कन्या आज इस लड़की को गोद लेके उन्होंने कन्यादान का जो इनको भगवान ने लड़की नहीं दी, लेकिन इनके और इनके परिवार के लोगों को मैं बहुत साधुवाद दूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा डिसीजन लिया। आज की इस महंगाई के दौर में उन्होंने डिसीजन लेके लड़की गोद लिया और आने वाले समय में जब शादी होगी 10-15-20 साल बाद शादी होगी तो जो कन्यादान का जो फल मिलेगा वो उससे जैसा बड़ा फल कोई है नहीं। और फिरंगी यादव जी ने अपने कर्तृत्व के बल पर वो फल प्राप्त करने का काम किया। आज फिरंगी भाई ने ऐसा काम करके दिखाया जो बहुत कम लोग करते हैं, जो एक लड़की को गोद लेके जो काम किया है, तो आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो है कि भाई सुकन्या को सुख और समृद्धि मिले और समाज में खाली महिला सक्षमीकरण की घोषणा करके ये बात होता नहीं पूरा है। तो सभी जो भी राजकीय है सामाजिक है सभी कार्यकर्ताओं ने हम अपनी एक जवाबदारी समझ के अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर कोई किसी महिलाओं को अडॉप्ट कर लेते, बच्चों को अडॉप्ट कर लेते या किसी को भी अडॉप्ट कर लेते तो महिलाओं का सक्षमीकरण तो उसी माध्यम से होता है और उसके भविष्य को एकदम उज्ज्वल करने की जवाबदारी हर आदमी अपने इंडिविजुअल लेवल पर लेता है। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सभी समाज के लोगों के लिए। और मैं चाहूँगा कि समाज से एक आह्वान करना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने काम किया है फिरंगी भाई ने कि अडॉप्ट करके किसी का भविष्य बनाने का, जिन जिन लोगों में अपनी कैपेबिलिटी है उन लोगों ने महिलाओं के लिए ऐसा ही छोटी छोटी बच्ची का जो हमारे यहाँ जाना है जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं होती, उनका भविष्य कुछ होता नहीं है, इसके लिए हर आदमी ने एक इनको अडॉप्ट करके ऐसे ही अपने भविष्य को सक्षम बनाने के लिए, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए, भारत के भविष्य के लिए अपने महिला सक्षमीकरण होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें इन्होंने जो जो काम किया है सराहनीय काम है, मैं इनको लाख लाख बधाई दूंगा। और भविष्य में इस बच्ची के लिए जब भी कुछ ज़रूरत पड़ेगा हम अपने हिसाब से इसकी सुरक्षा की जवाबदारी हम अपने पार्टी के माध्यम से मैं इंडिविजुअल अशोक कमाई के हिसाब से दूंगा और फिर से इन पर बधाई दूंगा कि ऐसे ही इनका काम चलते रहे, बढ़ते रहे और समाज की सेवा करें। फिरंगी भाई का जो लड़की है कि लड़का है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे फिरंगी भाई को लड़के के बारे में? हमारे बहुत पुराने दोस्त है, मित्र है, कम से कम 20 साल से हमारे साथ में, राष्ट्रवादी बना तभी से हमारे साथ में और आज भी साथ में, ऐसे कट्टर साथीदार बनना बड़ा मुश्किल काम है, दुख सुख में काम आने वाला है। और उसकी पकड़ है उत्तर भारतीय में जो यादव समाज है उसने उसकी बड़ी अच्छी पकड़ है। आज मैं आमदार हूँ तो हमारे फिरंगी भाई की वजह से, ऐसे हमारे कई साथीदार है उनकी वजह से आज मैं आमदार हूँ। तो मैं कोई आमदार कभी बन नहीं सकता, लेकिन ऐसे हमारे सच्चे साथीदार जो मेरे साथ में है उनकी वजह से मैं आया। आज उसकी बेटी का बर्थडे है, इसी अवसर पर मैं उसको हार्दिक शुभकामनाएं देना देने के लिए आया हूँ कि जी हज़ार सात साल में 50,000 आपके बर्थडे तो शिवन्या को बर्थडे लाख लाख शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आगे बन के वो फिरंगी जैसी अच्छी बड़ी बने, अच्छी पढ़ाई करे, कलेक्टर बने, एसपी बने, ऐसा नहीं चाहता। और दादा फिरंगी भाई एक अच्छे कार्यकर्ता है और अच्छा उसकी पकड़ मजबूत है और एक अच्छा संगठन भी मजबूत है उनका, काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं। सब बोला ना हिंदी ने, अरे खाया ना मैंने, अभी ले लो और अभी ले लो बस। हाँ तो आप आपके भांजी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आज मेरे भांजी का पहला जन्मदिन है, इसके लिए बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग आए हैं सबका आशीर्वाद बहुत लगे। मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी भगाओ ने बेटी गोद लो, ये मेरा नारा है। क्योंकि लोग बहुत सोचते हैं कि लड़का होना चाहिए, लेकिन ऐसा गलत है। जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने धरती पर जन्म लेके अपनी बेटी का कन्यादान नहीं किया वो इंसान का कोई मतलब नहीं। इसलिए बेटियों का हमेशा आदर और सम्मान होना चाहिए समाज में। और दोनों जिस तरह लड़का अगर आगे बढ़कर कुछ कर सकता है उसी तरह उससे ज़्यादा लड़की कर सकती है। कल्पना चावला देख ही रहे हो, राउंड टेरस ये लेन में गई,
माउंट एवरेस्ट पे ये बच्चन की पाल चढ़ी और भी ऐसे बहुत है, इसलिए ये देख के फिरंगी आदमी ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है। हम सभी को आशीर्वाद देना चाहिए और लड़के आगे जाके बहुत कुछ नाम अपने पिताजी का नाम रोशन करें, ये मेरी भगवान से कामना है। कि जो अब कन्या का डेट की है आजकल वो कन्या कौन ले रहा है, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि कन्या को फिरंगी भाई ने अडेप्ट किया, उनको गोद लिया, इससे बड़ी शुभकामना उनको मैं और क्या दे सकता हूँ। और खुशी यही मैं उनको गाइड करूँगा कि कन्या को पढ़ाई लिखाएँ और उसका भविष्य उज्जवल हो, आने वाले यही सब यही लोगों का संदेश है।